हाय यूट्यूब फैम, वेलकम और वेलकम बैक। आई एम लवी एंड दिस इज माय चैनल दैट गर्ल इन टाउन। सो वीडियो के टाइटल से थोड़ा सा आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। फिर भी मैं बता दूं कि आज मैं बात करने वाली हूँ फेशियल क्लिंजिंग मसाजर के बारे में। तो सारी की सारी डिटेल्स ना हम बात करते हैं इंट्रो सेक्शन के बाद। सो लेट्स स्ट्रेट डिग इनटू द वीडियो। मैं काफ़ी दिनों से ना एक अच्छा फेशियल क्लिंजिंग मसाजर ढूंढ रही थी। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद फिर मुझे लगा कि एक ये जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ इसको मैं परचेस कर लेती हूँ। तो मैंने जो प्रोडक्ट जो परचेस किया है दैट इज फ्रॉम अगारो। ये है उनका सोनिक फेशियल क्लिंजिंग मसाजर। कुछ इस टाइप से छोटू सा ये बॉक्स में आपको मिलता है। इन्होंने बॉक्स पे आपको सारी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, जैसे यहाँ पे ये रिचार्जेबल है, वाटरप्रूफ है, बट ऑब्वियसली बात है क्लिंजर है तो वो रिचार्जेबल होगा और वाटरप्रूफ तो उसको होना ही होना होगा क्योंकि जब आप अपना फेस धोएंगे तो वाटर तो यूज़ करेंगे ही। इसमें आपको 7200 वाइब्रेशंस पर मिनट मिलेंगी। तो जो वो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे स्किन पे जो है काफ़ी अच्छा मसाज करती हैं एंड इट क्लेम्स दैट इट रिमूव्स 99.5% ऑफ डर्ट एंड ऑयल फॉर ऑल द स्किन टाइप। तो जो मेन मोटिव था इस प्रोडक्ट को परचेस करने का दैट इज कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। इट क्लींस क्लॉग्ड पोर्स, रिमूव ब्लैक हेड्स, रिमूव व्हाइट हेड्स। तो सारी की सारी जो मतलब मुझे जो चाहिए था मेरे क्लिंजर में वो सारे के सारे इस क्लिंजर मसाजर में जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये सारी की सारी खूबियाँ इसके अंदर आपको मिलेंगी। बाकी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इसकी मैन्युफैक्चर, इसका प्राइस, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है एंड ऑल द थिंग्स, मतलब ये कब बना है कब नहीं बना है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आजकल ना अगारो के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मैंने उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, लाइक उनका टूथब्रश, उनका हेयर मतलब हेयर ड्रायर, उनका हेयर स्ट्रेटनर जो ब्रश वाला स्ट्रेटनर होता है ना, ऑल द थिंग्स। लुक एट द कलर, कलर ही अपने आप में ना क्यूट है ना कि इसको यूज़ करने का मन करेगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है, जैसे जितना वेट आपको मुझे ऐसा लगता है फेस वॉश में होता है ऐसा सही है, इससे ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका पावर स्विच दिया हुआ है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, प्लस एंड माइनस, यानी आप स्पीड कम भी कर सकते हैं एंड इसकी स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लुक एट द ब्रश, ये छोटी छोटी सी जो बीट्स है ना ये ब्रश है, तो ये सिलिकन मेड प्रोडक्ट है, तो बहुत ही सॉफ्ट है ये आपके स्किन पे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा हार्श नहीं है कि आपने स्किन पे लगाया और आपकी स्किन ही उधर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही जेंटल है आपके स्किन पे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसका ये ब्रश वाला पैटर्न, और यहाँ पे इसमें आपको बटन्स एंड ऑल द थिंग्स को मिली हुई हैं। तो इसमें आपको तीन सेटिंग्स मिलेंगी, एक लो सेटिंग है, एक हाई सेटिंग है और एक ऑल्ट्रेशन में है, जिसमें मतलब ऑल्टरनेट पर चलेगी, पहले हल्की फिर धीरे और इस टाइप से करके। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है अपने फेस को जो है थोड़ा सा गीला कर लेना है, अपने फेस पे जो है थोड़ा क्लिंजर लगा लेना, यानी कोई भी फेस वॉश, एंड देन इसको सर्कुलर मोशन में जो है रोटेट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आपने देख लिया इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा सिंपल है, और लुक एट माई स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई और कितनी ज़्यादा जो है मतलब फ्रेश फील हो रही है। तो सारी चीज़ें हो गई है, नाउ आई एम गोना शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट। मतलब इफ़ यू आर समवन के जिसको जो है मसाज बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा होता है ना कि पूरा दिन थकने के बाद जो है यार कुछ रिफ्रेशमेंट का एक शॉट सा चाहिए होता है, देन गो फॉर दिस वन। जब आप अपना फेस वॉश करके और इससे जो है अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे और अपने फेस को क्लेंस करेंगे, सबसे अच्छी बात एक तो सारा पॉल्यूशन बहुत अंदर से निकाल देगा, आपके स्किन पे जो है देखना कितना एकदम से इंस्टेंट ग्लो वाला जो है लुक आया हुआ है। आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माई फेस, सिर्फ मैंने अपना जो फेस है अभी इससे ही क्लेंस किया एंड लुक एट द ग्लो। तो आपको लगेगा कि आपने अपने फेस पे अच्छे से मसाज हो रही है, आपका फेस क्लींस हो रहा है, बट आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इसकी क्लींसिंग को। और मुझे सबसे अच्छा लगा इसका जो ये कर्व वाला ब्रश है, और इसके दोनों तरफ यानी इस तरफ भी हल्के से ब्रिसल्स हैं, मतलब हल्के क्या पूरे ब्रिसल्स हैं, और यहाँ पे भी। तो इसका जो कर्व की वजह से ना ये बहुत अच्छे से हमारे जो भी एरियाज है जो भी फेस के वहाँ पे बहुत ही ईजिली जाता है और बहुत ही अच्छे से हमारे फेस को क्लेंस करता है। तो जब नोज़ वाले पार्ट में जाते हैं तो आप इसको इस तरफ से क्लेंस करते हैं, तो दोनों तरफ से इसके ब्रिसल्स यूज होते हैं और ये काफ़ी अच्छे से क्लेंस करता है। एंड ट्रस्ट मी, आई लव दिस प्रोडक्ट। इसने जो मुझे मतलब बहुत आराम वाली फीलिंग दी है ना, उससे तो आई एम वेरी वेरी इंप्रेस, और बहुत ही अच्छे से इसने मेरा सारा मेकअप, सारा डर्ट, सारा पॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से निकाल दिया, बहुत ही मिनिमल वाली वाइब्रेशन के साथ, और काफ़ी अच्छा स्मूथ इसने मुझे जो है एक
कैनवस प्रोवाइड किया है टू माई मेकअप एंड ऑल थिंग्स एंड आई लव माई स्किन. बहुत ही पोर्टेबल है, लाइट वेट है, ईजिली आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं. और जो सबसे अच्छी बात हुई है कि आपको ये बहुत ही रिलैक्सेशन वाला इफेक्ट प्रोवाइड करता है. सो आई हाईली रिकमेंड. तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो गो फॉर दिस वन. इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो या मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें. सो इफ एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट दिस प्रोडक्ट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सी यू गाइज देयर. तो या एंड छोटा सा कमेंट और लाइक भी कर देना प्लीज. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय.